जर्सी में प्रिंस इस मैच का पहला रे रोहरा के मैदान में देखते हैं पहले रेट में क्या कर पाते हैं प्रिंस और दावा ठोक रहे हैं एक पॉइंट का और निश्चित रूप से अपने पहले ही रेट में एक पॉइंट दिलाते हुए जिधर के प्रिंस अपनी टीम को जबकि आप रोहरा के रेडर जिधर के मैदान में और पहले ही रेड में बोनस का प्रयास किया है और बोनस दिया गया है तो दोनों ही टीम का खाता खुल चुका है और राजपूत सर कमेटी बॉक्स में किसी भी फिर से एक पॉइंट लेकर के आए लगातार अच्छा मैच चलता हुआ फीका दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना मैच देखने के लिए लेकिन इसी बीच देश करने का प्रयास लेकिन फीका को आउट दिया गया है और शानदार टेका इस बार गिधा के डिफेंडरों के द्वारा इसी बीच फिर से प्रे लगातार रेडिंग का कार्य भारत अपनी टीम के लिए संभाले हुए पांच विकेट लिए कबड्डी कबड्डी का मैच करते हुए बोनस आप पर 10 पॉइंट लाना होगा प्रे को लगातार लेफ्ट सदाई टच का प्रयास कर रहे हैं लेकिन चुके और एमपी रे इसी बीच फिर से आप रोहरा के रेडर इस बार पूरा साथ में डिफेंस और चैन टेका शानदार साइड टेका दिया गिरा के डिफेंडरों के द्वारा तो ये मैच शानदार कसरतस भरा होने की उम्मीद राजपूत सर जिस प्रकार की शुरुआत की है दोनों ने टीम किस प्रकार की उम्मीद करते हैं आप इस मैच के बारे में सोनू थोड़ा साइड में जाएंगे धन्यवाद बंजारी सर गिधा वैसे तो बहुत अधिक चलता हुआ माहौल में बोले लेकिन गिधा शुरुआती मुकाबले में एक बढ़त बना चुके हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ खेल रहे हैं होता लेकिन दो चार अंकों का एक फासला है ना के बराबर होता कबड्डी में क्योंकि कबड्डी का जो खेल होता है एक मल्टी लेयर का खेल होता है नहीं कैसे बना होता दो अंकों में देखिए लेकिन देखिए गिधा के जो जवाब खिलाड़ी है वो बेहतरीन स्थिति के साथ एक साथ टेबल करते हुए छोटे बच्चे रहपन वाले खिलाड़ी हैं एक नंबर के जजिस पर वही दबाव खिलाड़ी इस बार टीमर के जजिस पर खिलाड़ी से दबाव लग जाए लेकिन कपड़ा सा नहीं है लेकिन इस बार पकड़ना मुमकिन ही नहीं है मुमकिन इसे खोज कर जाना एक अंक मिलेंगे रोहरा के खिलाड़ी को हम तालिका पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जा पहुंचे चार अच्छा दो अंकों का फासला है और ये दबाव खिलाड़ी है ये कहीं चल गए ना तो फिर हवा में उड़ा देंगे भैया ये दबंग खिलाड़ी है मैंने पहले ही कहा था कि पहले बार भाई ना बहुत खतरनाक खिलाड़ी है बच के रहिए मेरी से छह एक के बीच पर एक करता हूँ थोड़ा सा आ रहे हैं लेकिन एक खिलाड़ी केवल बाहर हुए हैं और मैच निश्चित रूप से बता दूं बंजारे सभी ये मैच निश्चित रूप से अंतिम छोर पर जाकर रुकेगा प्रेम ये प्रेम बेहतरीन यहाँ पर अपना हथियार वाला प्रदर्शन करते हुए पांच के भी प्रयोग करते हुए लगातार खिलाड़ी को छुपाते हुए दिखे के दबाव बनाने में से करे या कहते हैं कि फ्लाइंग इस्तेमाल है तो हाई कामे पर स्कॉर्पियन टू के माध्यम से पॉइंट लेना चाहते थे लेकिन सात नंबर का जो खिलाड़ी है मेरा भी नबी नंबर जो है 07 है और वो भी प्रेम कहीं ये देखिए दबाव खिलाड़ी छह के भी प्रयोग करता हुआ निश्चित रूप से ऊपर बढ़ना होगा मुजारा होता है ऐसा और कश्तियां नहीं बदलती
दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। किनारे को बदल कर दिखाना होगा प्रेम मोहब्बत सात नंबर के दर्शन का पूरा पिक्चर एक करते हैं उस चार के बीच का बेहतरीन महाकाल चलता है। गीता वर्ष वह के बीच यहाँ पर तीन अंगों का फासला है और तीन अंगों का जो फासला है कहाँ के बराबर होता है तो मछली में वह फिर बेहतरीन पैदा करते हुए मछली में जैसे केवट लोग दबोच देते हैं नदी में जैसे जाल खेलते हैं बंजारी जी उसी तरह का जाल खेल चुके थे इस बार वह के खिलाड़ी क्या कहना चाहेंगे। सात पांच दो अंकों की बढ़त अभी भी गीता के पास। मैं बताना चाहूंगा पिछले सीजन के आयोजन में गीता की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी बीच आप रोहरा के रेडर लगातार कबड्ड कबड्ड के मैच करते हुए गीता के मैदान में लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अभी भी गीता की टीम दो अंकों से आगे जबकि रोहरा की टीम को वापसी कर रही होगी। हालांकि फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ भी अभी तो शुरुआत है अभी तो पिक्चर बाकी है अंतिम एक मिनट मध्यांतर से पहले और फिर से आप रोहरा के रेडर चले छह के डिफेंस में बोनस आन है। मैं बताना चाहूंगा छह या छह से अधिक खिलाड़ी होने की स्थिति में बोनस आन रहता है लेकिन बोनस लाना आसान नहीं होता है कबड्डी के खेल में। और फिर से गेंद लौटे इसी बीच देवा छह नंबर की जर्सी में आज के डिफेंस के इसको टच पर लाना होगा और अंतिम मिनट का खेल चल रहा है। अंदर से पहले कभी भी विसर्ग बच सकता है और दो अढ़ाई रेट होगा। मैं बताना चाहूंगा यह रोहरा के लिए दो अढ़ाई रेट बोनस कौन है बोनस में भी अंक ला सकते हैं अगर किसी प्रकार से भी अंक नहीं लाए तो भी रेडर आउट माना जाएगा। लेकिन एक आसान सा पॉइंट यूज करते हुए राजपूत सर जिस प्रकार से अभी तक बहुत ही अच्छी खेल जो पॉइंट पेश किया था इसके लिए भी दो अढ़ाई रेट दोनों ही ओर से पर खेल रहे हैं और इस तरह से बहुत भी दोनों एक ओर से फेस बहुत ही हल्का खेल रही है राजपूत सर क्या बोलेंगे। और इसी के साथ मध्यांतर भी हो चुका है और स्कोर 8-6 दो अंकों की बढ़त मध्यांतर के पश्चात अभी भी गीता के पास में है राजपूत सर और संभाले एक तरफ यादव सर संभाले हुए हैं कदम रेडर ये देखिए पांच नंबर के जैसी पर इसका नहीं था तो बचे हैं इसका प्लानिंग बना चुके थे गीता के खिलाड़ी और ये इस टीम का थोड़ा सा चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। आशीष का बाहर जाना मैच का रहना एक मैच में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है चार के बीच पर करता हुआ क्योंकि रेडर का आना बहुत जरूरी जितना जल्दी उसको रिवाइवल करेंगे उतना जल्दी टीम रिकवर करेंगे रोहरा की टीम। और इस बार छह नंबर के जैसे पर छोटे कप के जो गीता के खिलाड़ी हैं वो रेड करता हुआ और गीता के जो प्लेयर्स हैं बता इसके बाद जो मैच होना है बेवा ओवर से फिट आएगा देरी नहीं करना है बेवा ओवर से फिट आएगा एक मैच के तुरंत बाद आस पास में घूमते रहिए भूसेना वर्सेस भूसेना बी वर्सेस बेंद्री वो भी तैयार ही है और ये देखिए ग्रेट टेकन से जान से बचकर चले गए जैसे कोतरी मछली निकल जाते हैं किंतु मछली निकल जाते हैं केवल की जान से मछली बाहर समझ कर बस गोल देने का मुख दिल जाता है छह कहाँ पढ़े का बस दिल जाता है कोई बात नहीं अरे बेहतरीन यहाँ पर इस बार रह रहा है इंटर करने के बाद
तीन होने के बाद आकर इन लोग मुद्दा है सर, ये फिर से लेकिन कहीं मल्टी रैप पर खेलेंगे तो निश्चित रूप से भी इन लोगों के वर्कर लास्ट समझते हैं। फिर से डबल खिलाड़ी आए जिधर की ओर से, ये रोहित यादव के दिया की बहन की है शायद ऐसा लग रहा है। डबल खिलाड़ी है टीम की ओर से, गिधर की ओर से खेल रहे हैं। सात नंबर पर जटी पर तो प्रेम खेल रहे हैं ना, एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, छोटे कद की जरूर है लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ रेड करते हैं। यहाँ पर टपकाई नहीं कर पा रहे हैं, एरिया की है जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है वैसे ही इन लोगों का जो मैच है ना वो घमासान चलता होगा। रोहरा वर्सेस गिधर के बीच 16-6 सूरत छह के बीच का रेट करता हूँ, बड़ा सारा है बीबी। और जो अंडे का फासला तक 10 अंडे पर जा पहुंचे हैं बंजारी जी, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका है रोहरा के ऊपर, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राजपूत साइकोलॉजिकल बढ़त तो मिला है इधर की टीम को और वापसी करनी होगी। और चैंटेकर शानदार, चैंटेकर जीते की छलांग लगाना चाहते थे रेडर लेकिन चैंस पे जा फंसे और एक पॉइंट और गिधर की टीम को। और थर्ड रेट डू और डाई रेट, अभी भी कबड्डी के खेल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतिम 3 मिनट और लगभग 10-11 अंकों की बढ़त गिधर के पक्ष में, तो आसानी से इस अंतर को काटा जा सकता है लेकिन मल्टी रेड पॉइंट पर, मल्टी पॉइंट पर ध्यान देना होगा रोहरा की टीम को। और आसानी से एक पॉइंट दिए, अगर लॉबी में चले जाते रेटर तो एक पॉइंट, अगर डिफेंडर भी आ जाते तो मिल सकता था लेकिन छोटी छोटी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और दोनों में बहुत ही शानदार खेल कमोय ने पेश कर दी है अभी तक गिधर की टीम। हाँ, पिछले सीजन के मैच के बारे में मैं बता रहा था राजपूत सर, एक छोटी सी गलती की वजह से गिधर की टीम जीते हुए मैच को भूसेना के हाथों हारा था। और आगे मैं बताऊंगा उस मैच के बारे में। और इसी बीच अब 6 नंबर की जर्सी में गिधा के रेडर लगातार कपट कपट के मैच करते हुए 5 नंबर की जर्सी में और खाली हाथ वापस लौटे। इसी बीच अब 5 नंबर की जर्सी में तमाम रेडर लगातार पॉइंट की प्रयास कर रहे हैं और तेजी आ रहे हैं आप अपने खेल में, चूंकि अंतिम क्षणों पर जा रहा है। जिस बाटू की कामयाब हुए हैं कि नहीं देखते हैं, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है 3 पॉइंट निश्चित रूप से, अगर क्रॉस किए होंगे तो 3 पॉइंट मिलेंगे रोहरा की टीम को, शानदार वापसी कही जा सकती है। देखते हैं 2 पॉइंट दिए हैं रोहरा की टीम को, तो कौन कौन से डिफेंडर आउट होंगे बता देंगे सर। जर्सी नंबर 7 1:23 का खेल बाकी है और अंकों का अंतर 19-10 अभी भी गिधा के पक्ष में। और 7 नंबर की जर्सी में इस बार आप गेम को स्लो करना चाह रहे हैं 5 नंबर की जर्सी में गिधा के रेडर। देखते हैं क्या कर पाते हैं अंतिम मिनट में चलता हुआ यह मैच। और शानदार एडवांस देखा इस बार और तुरंत रेड के लिए परस्यूट करना चाह रहे हैं और सुपर टेकल ऑन है इस बार। देखते हैं अगर इसको पकड़ते हैं तो दो और हाफ आउट लेना चाहेंगे इस रेड में रोहरा की टीम। अगर टाइम से अगर सपोर्ट मिलता तो निश्चित रूप से कामयाब हो पाए टेकन में, लेकिन 2 पॉइंट मिले
अंतिम खिलाड़ी और क्रॉस कर लिए हैं और टाइमर भी लगातार निगाहें रखे हुए टाइम में देखते हैं और रेड मिल सकता है कि नहीं। और एक बॉल स्टेकर फिर से कुछ विचार विमर्श फिर से ऑफिशियल टाइम आउट और दोनों ही ओर से बोनस प्लस टाइम दिया गया है गिधा की टीम को और इसी के साथ टाइम भी ओवर। तो गिधा की टीम इस मैच में विजय रही।